अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है MIM यूपी बिहार में। भारत सरकार ने मौलाना आज़ाद स्कॉलरशिप और प्री मेट्रिक स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। इसके खिलाफ MIM के सांसद सैयद इम्तियाज़ जलील ने संसद में क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है, उनकी आवाज़ बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि RTE के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1-8 स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। RTE के अंदर, सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं।